बच्चों आज मैं आपको काल के बारे में बताऊंगी। काल को टेंस भी कहते हैं, इंग्लिश में इसे टेंस कहते हैं, हिंदी में इसे काल कहते हैं और संस्कृत में इसे लकार कहते हैं। क्रिया के करने के समय को काल कहते हैं। जिस समय हमने कोई काम किया है, काम कर चुके हैं तो उसे भूतकाल बोलते हैं, यानी कि पास्ट टेंस। और जो हम काम कर रहे हैं, जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, इसे कहते हैं वर्तमान काल और प्रेजेंट टेंस। और जब हम कोई काम करेंगे तो उसे कहते हैं भविष्यकाल, यानी कि फ्यूचर टेंस। अब वर्तमान काल को आप, काल तीन प्रकार के होते हैं, पहला वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल। वर्तमान काल को संस्कृत में लटलकार कहते हैं, क्या कहते हैं? लटलकार। और प्रेजेंट टेंस इंग्लिश में कहते हैं। भूतकाल को संस्कृत में बोलते हैं लंगलकार और इंग्लिश में बोलते हैं पास्ट टेंस। भविष्यकाल को संस्कृत में बोलते हैं लिरटलकार, क्या बोलते हैं? लिरटलकार। और इंग्लिश में बोलते हैं फ्यूचर टेंस। तो इसके तीन तरह के काल होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल। संस्कृत में इनको कैसे बोलेंगे? लटलकार, लंगलकार और लिरटलकार। इंग्लिश में आपने पढ़ा होगा प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। इस तरह से तीन टेंस होते हैं।